गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रभा चमोली, फोर क्लास फर्स्ट, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ चार, शब्द विचार। बच्चों, आज हम पाठ चार में शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। स्वर व व्यंजन क्या है? स्वर और व्यंजन को मिलाकर सार्थक शब्द बनते हैं तथा व्यंजन में स्वर मात्रा के रूप में जोड़े जाते हैं। तो बच्चों, जो हमारे शब्द बनते हैं वो क्या है? वर्णों को जोड़कर बनते हैं। और उसमें क्या है, शब्दों में क्या, हमारी स्वर की मात्रा और व्यंजन भी उसमें आते हैं। जैसे क्या है, फा उ ल, इसमें क्या है, बड़ी उ की मात्रा लगाई गई है। इसमें क्या, हमारा स्वर व्यंजन दोनों आ रखे हैं, तो इसको मिलाकर क्या बना है, फूल। नंबर दो है इसमें गा आ या, गा आ या, इसमें क्या है, आ में क्या है, आ की मात्रा लगाई गई है, इसको जोड़ के क्या बना है, गाय। का ई ल, इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा लगाई गई है, इसको जोड़ के क्या बना है, की। इस प्रकार से शब्द वर्णों को जोड़कर क्या है, शब्द बनते हैं। शब्द की परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। क्या है, दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं उनको जोड़ के क्या है, शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सार्थक शब्द, नंबर दो निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ होता है। क्या है, वह वर्ण समूह, अक्षरों का जो वह समूह है जिससे क्या है, जिसका क्या है, जिस शब्द का क्या है, कोई अर्थ निकलता है, उसे क्या है, सार्थक शब्द कहते हैं। या जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाजर, पपीता, हाथी, थर्मस, ये आपके सार्थक शब्द हैं। नंबर दो है निरर्थक शब्द, वह वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। वह वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है या जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं निकलता है उन्हें क्या है, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, वोटी, अब इसमें क्या है, जैसे क्या है, रोटी, रोटी का तो अर्थ है जिससे हम क्या खाते हैं, रोटी का अर्थ है, लेकिन ओटी, ओटी का कोई अर्थ नहीं है। नहर, वहर, नहर तो क्या है, जिसमें पानी बहता है उसे क्या नहर कहते हैं। वहर क्या है, उसका कोई अर्थ नहीं है। चावल, वावल, चावल क्या है, जिससे हम खाते हैं, और वावल क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सागर, वागर, सागर तो क्या है, समुद्र, जहां पानी रहता है उसे क्या है, सागर कहते हैं। वागर का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से क्या है, ये निरर्थक शब्द हैं। वाक्य, शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। क्या है, शब्दों के समूह से क्या है, वाक्य बनते हैं, और वाक्य को बनाने के लिए क्या है, शब्दों की आवश्यकता होती है। शब्दों को बनाने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से बच्चों, ये आपका पाठ शब्द
शब्द विचार के बारे में आपने पढ़ा है और इस प्रकार से परिभाषा बोर्ड में लिखी है, आप ध्यान से देखोगे। शब्द की परिभाषा, स्वर व व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर क्या है, सार्थक शब्द बनते हैं। शब्दों शब्द के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। वह वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या है? वह वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या है, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाजर, पपीता। नंबर दो है निरर्थक शब्द। निरर्थक मत, निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है या जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या है, निरर्थक शब्द कहते हैं। वह वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या है? जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या है, हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, ओटी। रोटी का तो क्या है, अर्थ है ना, जिसे हम खाते हैं, लेकिन ओटी क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये क्या है, निरर्थक शब्द है। वाक्य की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्द समूह से अर्थयुक्त वाक्य बनता है। दो या दो से अधिक जो शब्द होता है अर्थयुक्त मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, अर्थ बनता है, उसे क्या है, वाक्य की परिभाषा कहते हैं। वाक्य को बनाने के लिए क्या है, हमें शब्दों की आवश्यकता होती है और शब्दों को बनाने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। जैसे रवि खेलने बाग में जाता है। क्या है? रवि कहाँ जाता है, खेलने बाग में जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये आपके शब्द की परिभाषाएं हैं और इसमें इसको आप लर्न करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू।